गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। गुड मॉर्निंग रक्षा, गुड मॉर्निंग कुलदीप, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। राकेश, नेहा, कृतिका, अश्मित, तोशी, गुड मॉर्निंग बेटा। रोहित, अपूर्वा, गुड मॉर्निंग। तो स्टार्ट करते हैं बेटा हमारी क्लास को आगे। तो जो लास्ट टॉपिक हमने किया था वो एक बार आप फटाफट से मुझे बता सकते हैं। देखिए, हमारा जो चैप्टर्स हो गए हैं इसके अंदर वो क्या क्या हो गए हैं। इंट्रोडक्शन हो गया है, स्टार्टिंग का थोड़ा बहुत बताया था मैंने आपको। कलेक्शन ऑफ डेटा हो गया, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा हो गया, प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा हो गया, और लास्ट में अब हम चल रहे थे। तो क्या कुछ बचा हुआ था इसके अंदर? ऑलमोस्ट हमने ये कंप्लीट कर लिया था। ठीक है, तो इसमें आप बता रहे थे ऑजाइव हो गया था। ठीक है, तो उसके अंदर ऑजाइव के अंदर बेटा मोर देन ऑजाइव और लेस देन ऑजाइव, ठीक है ना, ये चीज अपन को यहाँ पर निकालनी थी। तो हम इसके अंदर कैसे करते हैं लेस देन और मोर देन के लिए? तो उसके अंदर देखिए कोई भी पर्टिकुलर हम फ्रीक्वेंसी जो है उसको क्यूमुलेट करते हैं, एक्यूमुलेट करते हैं, ठीक है ना। उसको एक तो ऊपर से ऐड करते चलते हैं, ये तो हो गया मोर देन, और एक क्या हो गया नीचे से ऐड करते चलते हैं, ये क्या हो गया लेस देन, ठीक है ना। तो इसके अकॉर्डिंग फिर हम क्या करते हैं यहाँ पर फ्रीक्वेंसी सेट कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा मोर देन हो जाए और एक हो जाएगा लेस देन हो जाए, ठीक है ना। तो जैसे कि देखिए इसके अंदर कोई एग्जाम्पल आप आपने की एग्जाम्पल थोड़ी बता दिया था, मैंने बताया था कि एग्जाम्पल एग्जाम्पल बता दिया था क्या, या फिर आपको करने के लिए दिया था? आई थिंक मैंने आपको करने के लिए दिया था। गुड मॉर्निंग बेटा सुधीर। ऐसे तो देखिए आपका यहाँ पर क्लास दे रही है, क्लास क्या है आपकी 0 to 20, 20 to 40, 40 to 60, 60 to 80 और 80 to 100। और यहाँ पर आपकी क्या दे रखी है, फ्रीक्वेंसी दे रखी है। तो फ्रीक्वेंसी आप कितनी भी ले लीजिए, जैसे कि यहाँ पे ले लीजिए 6, 5, 18, 4, 12, ये आपने ले ली, ठीक है। तो अब यहाँ पर हम क्या करते हैं इसको क्यूमुलेट करते हैं, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालते हैं, क्लियर। तो यहाँ पर स्टार्टिंग से जब यदि हम जोड़े तो देखिए 11 और ये कितना गया 18, 19 और 29, 29 और ये कितना गया 30, 33, और इसको हम कितना ले लें, इसको ऐसा करते हैं 12 की जगह 17 ले लेते हैं, 17 से आंसर कितना आ जाएगा, 50 आ जाएगा, बिल्कुल। तो ये तो हो जाएगा मोर देन हो जाए। और फिर उसके बाद में CF जो है दोबारा ले लेंगे और वो नीचे से ऐड करेंगे स्टार्ट। तो यहाँ पर कितना 17, 4 ऐड किया तो कितना हो गया 21, और फिर 18 ऐड किया तो 29, 39, 39 में 4 ऐड किया तो कितना हो गया 44, 44 में 6 ऐड किया तो 15। तो आप यहाँ पर आप देख सकते हो एक बार मैंने ऊपर से जोड़ा और एक बार मैंने नीचे से जोड़ा, तो ये तो क्या हो जाएगा आपका मोर देन हो जाए, ये क्या हो जाएगा
मोर देन, और ये क्या हो जाएगा, लेस देन हो जाए, लेस देन हो जाए। तो अब इसके अंदर डायग्राम कैसे बनाएंगे, ठीक है ना, डायग्राम कैसे बनाएंगे वो हम देखते हैं। तो छः ग्यारह देखियो, मैं इसको इसको रफ नहीं कर रहा हूं, मैं इधर बना रहा हूं डायग्राम, ठीक है। तो अभी यहां पर क्या कर रहा हूं मैं, 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, ये लिया, 50 to 60, 60 सॉरी ये तो थी नहीं, 0 to 20 था, फिर 20 to 40 था, 40 to 60, 60 to 80 और 80 to 100 ये था। और यहाँ पे फ्रीक्वेंसी की जो वैल्यू दे रखी है वो कितनी दे रखी है, लास्ट फाइनली 50 तक दे रखी है। कहाँ तक, 50 तक। तो आप देख लीजिए, चाहो तो 5, 10, 15, 20, 25, 35, 40, 45, 50, 55, ऐसे चल लीजिए। अब आप देखिए यहाँ पर 0 to 20 जो है उसके अंदर 6 का वैल्यू आ रहा है, तो यहाँ पे 20 पे अपन ले लेंगे, ठीक है ना। तो ये लीजिए, यहाँ पर हम ले लेते हैं, इस जगह से स्टार्ट कर लेते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद में 11 यहाँ पर, फिर उसके बाद में 29, फिर कहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे बीच में, फिर उसके बाद में 33, तो ये यहाँ पर ही आएगा 25, और फिर 50। तो आप देखिए कैसे हो रहा है ये, ऐसे चलेगा। और दूसरा लेस देन हो जाए वो बनाओगे तो 50 से स्टार्ट होगा यहाँ से, इस जगह से, और फिर वो क्या है, वो ऐसे ही सेम पॉइंट पर यूं चलते 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 चलते, जैसे आपको एज इट इज एक 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 बना देते हैं, जैसे इसमें 50 है, फिर 44 है, 44 ये यहाँ पे आ रहा है, ये लो, फिर 60 पे कितना आ रहा है, 39 मान लो, तो ये आ रहा है यहाँ पर 60 पे 39 ये रहा। और फिर उसके बाद में 20 पे 21 ये, यहाँ पे फिर 17, तो अब आप देखिए क्या नहीं लिखा, 30। हाँ ये बात सही कह रहे हो, बिल्कुल सही कह रहे हो सुधीर, बिल्कुल परफेक्ट पकड़ लिया आपने।
यही चीज मैं सोच रहा था कि इतना पास पास कैसे आ गया। चलिए कोई बात नहीं, आपको समझ तो आ गया ना, आप उसको 30 करके फिर कर लेना। सही कह रहे हो, बिल्कुल समझ आ गया तो सही। चलिए तो बेटा, ये यहाँ पर जो प्रेजेंटेशन का जो चैप्टर था हमारा, वो अब हमारा कंप्लीट हो गया है। तो आज ये चैप्टर हमारा फिनिश हो गया, प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। ठीक है, अब हम यहाँ पर नेक्स्ट जो चैप्टर है वो स्टार्ट करेंगे, मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, वैसे तो ये आपको सभी को पता ही है, सेंट्रल टेंडेंसी के अंदर मेजरमेंट करेंगे हम कि कैसे पर्टिकुलर मीन निकाला जाता है, अर्थमेटिक मीन, अर्थमेटिक जो लाइन बनाते हैं, अर्थमेटिक अच्छा अर्थमेटिक लाइन ग्राफ जो है वो यही है बेटा। एक तरीके से अगर हम बात करें ना तो उसको टाइम सीरीज भी कहते हैं। अर्थमेटिक जो लाइन होती है, अर्थमेटिक लाइन डायग्राम, इसको हम क्या बोलते हैं, टाइम सीरीज भी बोलते हैं दूसरे नाम से, जिसमें हम पर्टिकुलरली आर के बेसिस के ऊपर, डेली डे के बेसिस के ऊपर, या फिर वीक मंथ, ठीक है ना, इनके बेसिस के ऊपर हम क्या करते हैं, टाइम को प्लॉट करते हैं एक्स एक्सिस पर। जो हमारा ये एक्स एक्सिस है ना, इसके ऊपर हम टाइम डाल देते हैं ग्राफ के अंदर, ठीक है ना, और जो वाई एक्सिस है उसके ऊपर भी हम क्या कहते हैं, एक वेरिएबल ले लेते हैं। तो वो उसके अंदर कोई भी हमारा वेरिएबल होगा वो हम डाल देते हैं कि कितना, जैसे फ्रीक्वेंसी की बात करें। फिर उसके बाद में हम क्या करते हैं, प्लॉट करते चलते हैं, प्लॉट मतलब पॉइंट लगाते चलते हैं। फिर उसके बाद में उन दोनों वैल्यू को क्या कर देते हैं, ज्वाइन कर देते हैं, ज्वाइन कर देते हैं। तो वही क्या होती है, अर्थमेटिक लाइन, सिंपल है और इसकी जैसे ही है। लेकिन इसमें क्या है कि जो टाइम फैक्टर है वो एक्स एक्सिस के ऊपर मेंशन कर देंगे, जैसे आवर्स का हो गया, वीक हो गया, डे का हो गया, ठीक है ना, ये वाली चीजें। तो बताइए कोई दिक्कत है क्या, अर्थमेटिक लाइन डायग्राम इज ऑल्सो नोन एज टाइम सीरीज ग्राफ, ठीक है, क्लियर है। इन दिस डायग्राम वी मेंशन द टाइम सीरीज ऑन द एक्स एक्सिस, सच एज ऑन आवरली बेसिस, वीकली बेसिस, डेली बेसिस, ठीक है ना, ऑन डे पर्टिकुलर टाइम इज मेंशन ऑन द एक्स एक्सिस एंड ऑन द वाई एक्सिस फ्रीक्वेंसी इज मेंशन, एंड देयर आफ्टर अकॉर्डिंग टू द डेटा पॉइंट्स आर प्लॉटेड एंड दीज आर ज्वाइंट। उनको फिर क्या कर देंगे, हम ज्वाइन कर देंगे, ठीक है। तो अब स्टार्ट करते हैं हमारा मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी नेक्स्ट चैप्टर का हेडिंग डालिए आप सभी बच्चे, मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। अब बेटा यहाँ पर क्या है कि देखिए, इस चैप्टर के अंदर हम क्या करेंगे, अभी तक तो हमने प्रेजेंटेशन किया था डेटा को, कैसे प्रेजेंट करते हैं, कैसे व्यू करते हैं हमारे डेटा को, उनको एनालाइज कैसे करते हैं। अब हमारे कुछ इसके अंदर मेथड्स हैं, उन डेटा को फाइंड, जैसे डेटा की मदद से हम क्या करते हैं, कुछ एवरेजेस निकालते हैं, कुछ चीजें निकालते हैं जिसमें क्या है कि वो हमारा मदद करता है कोई कंक्लूजन देने में। जैसे कि
एक पॉपुलेशन जो है उसको हमने फाइंड किया, टोटल पूरा इंडिया का पॉपुलेशन हमने फाइंड किया। तो एक पर्टिकुलरली हम क्या करते हैं, ये इनमें से कुछ मेथड्स को फॉलो करते हैं, ठीक है। तो उसमें हमारी मदद करते हैं ये मेथड्स वो पॉपुलेशन को कैलकुलेट करने में, टोटल एवरेजेस निकालने में, क्योंकि जब हम टोटल करते हैं तो उसमें क्या है कि कुछ एवरेज के बेसिस पे भी काम करना पड़ता है, ठीक है ना। औसत लेनी पड़ती है, एवरेज निकालना पड़ता है, उसके अकॉर्डिंग ही फिर हम क्या करते हैं, हमारा कंक्लूजन निकाल सकते हैं। तो कोई पर्टिकुलर कंक्लूजन निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, एवरेजेस लेने पड़ते हैं, और उनको फाइंड आउट करने के लिए वेरियस यहाँ पे मेथड्स हैं जो कि हम पढ़ेंगे। अर्थमेटिक मीन जिसको अपन बोलते हैं, ठीक है ना, मीन कैसे फाइंड आउट करते हैं, मीडियन कैसे फाइंड आउट करते हैं, मोड कैसे फाइंड आउट करते हैं, ठीक है ना। तो वो सारी चीजें हम यहाँ पे सीखेंगे। वैसे तो आप सभी बच्चों ने 10th क्लास के अंदर ये मीन मोड मीडियन को आपने पढ़ा भी होगा कि कैसे फाइंड आउट करते हैं। ये वैसे आपके लिए इजी है, लेकिन फिर भी हम फटाफट से फटाफट इसको कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। तो इसके अंदर बेटा तीन जो चीजें हैं मोस्टली कॉमनली हम एवरेजेस जो हैं वो निकालेंगे। तो आप इसके अंदर एक बार लिख लीजिए, लिख लीजिए ऊपर। लिखिए द मेजर मेजरिंग ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, लिखिए द मेजरिंग ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। द मेजरिंग ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी इज अ वे ऑफ समराइजिंग, इज अ वे ऑफ समराइजिंग इज अ वे ऑफ समराइजिंग द डेटा इन द फॉर्म ऑफ इन द फॉर्म ऑफ अ टिपिकल और रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू। दोबारा रिपीट कर रहा हूं, द मेजरिंग ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी इज अ वे ऑफ समराइजिंग द डेटा, समराइजिंग द डेटा इन द फॉर्म ऑफ इन द फॉर्म ऑफ अ टिपिकल और रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू। टिपिकल और रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू, अब पैराग्राफ चेंज करके आप लिखो, देयर आर, पैराग्राफ चेंज करके फिर लिखो, देयर आर सेवरल स्टैटिकल मेजर्स, देयर आर सेवरल स्टैटिकल मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसीज, ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। आर देयर, या फिर आर एस, आर देयर लिख लो, चलो ठीक है। तो क्या क्या है उसके अंदर, पहला आप लिखिए अर्थमेटिक मीन, पहला लिखिए अर्थमेटिक मीन, अर्थमेटिक मीन।
अर्थमेटिक मीन के बाद में सेकंड लिखिए आप मीडियन, मीडियन। मीडियन के बाद में लिखिए आप मोड, मोड। ठीक है, तीनों लिख लिया आपने। अब वैसे तो देखिए इसमें आपको तीन ही इसके अंदर दे रखे हैं, लेकिन कुछ चीजें और भी होती है, जैसे कि ज्योमेट्रिक मीन होता है, हार्मोनिक मीन होता है, ये भी इसके और भी पार्ट्स हैं। ठीक है, लेकिन आपको इसके अंदर तीन चीजें ही दे रखी है, मीन, मोड, मीडियन। ठीक है ना, तो वन बाय वन हम इन्हीं को स्टडी करेंगे। ठीक है, तो अब इसके अंदर सबसे पहला आप अलग से हेडिंग डालिए, अर्थमेटिक मीन। वैल्यू ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशन, ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशन एंड एंड डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन।
एन डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो अब इसके अंदर नीचे आप क्या करोगे, फॉर्मूला जो है वो लिखोगे। देखो सीरीज तो आपको मैंने बताई दी थी, सबसे पहले क्या थी इंडिविजुअल सीरीज, फिर उसके बाद में मैंने बताई थी डिस्क्रीट सीरीज, और फिर मैंने बताई थी आपको कंटिन्यूअस सीरीज। तो पहले फॉर्मूला हम किसके अंदर लिखेंगे, इंडिविजुअल सीरीज के अंदर। तो आप लिख लीजिए इंडिविजुअल इन इंडि फॉर्मूला इन इंडिविजुअल सीरीज। इंडिविजुअल सीरीज के अंदर जो फॉर्मूला लिखेंगे, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो मीन है उसको हम कैसे शो करते हैं, उसको कैसे लिखते हैं। उसको लिखते हैं कैपिटल लेटर में एक्स, और उसके ऊपर एक लाइन ड्रॉ करते हैं, उसको बोलते हैं बार। तो उसको क्या बोलेंगे अपन, एक्स बार। फिर उसके बाद में इक्वल टू करके जितने भी ऑब्जर्वेशंस हैं उन सभी ऑब्जर्वेशन का यहाँ पे सम कर देंगे। तो यहाँ पे एक्स वन प्लस एक्स टू प्लस एक्स थ्री प्लस एक्स फोर, मान के चलो चार ऑब्जर्वेशन है। तो हम यहाँ पर डिवाइड कितने से कर देंगे, जो भी एन से, कितने ऑब्जर्वेशन है जो भी है उससे हम डिवाइड कर देंगे। तो ये ऊपर वाली क्या है, वैल्यू है अमाउंट में, और ये नीचे वाले क्या है, यहाँ पे नंबर ऑफ डिजिट। ठीक है बोलिए, समझ आया कि ये वाला फॉर्मूला आपको। तो अब ये वाली जो चीजें हैं, इन चीजों को हम क्या भी बोल सकते हैं, टोटल जो है ना इनको हम लिख सकते हैं सिग्मा एक्स, जो भी आपका है ना सिग्मा एक्स, और अपॉन एन। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं सिग्मा। सिग्मा का मतलब क्या होता है, सम, टोटल। सिग्मा का क्या मतलब होता है यहाँ पर, टोटल सम। सम टोटल जो आपका ऑब्जर्वेशन है ना जितने भी, उनका क्या लगा दिया तो वो क्या कहलाएगा आपका, सिग्मा एक्स। ठीक है, क्लियर है क्या। तो इसके अंदर आप पांच क्वेश्चन घर से करके लेकर आएंगे, कितने, पांच क्वेश्चन सिंपल इंडिविजुअल के ही करने हैं, और मुझे सेंड करेंगे। पांच क्वेश्चन करेंगे करके फिर मुझे सेंड करेंगे। ओके थैंक यू।